भैया आप सोर्स मतलब बैटरी जब तक अप्लाई नहीं करोगे उसमें लगाओगे नहीं तब तक करंट कैसे फ्लो होगा। मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया आपने, जैसे ये घर का एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, डोमेस्टेटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। ये फैन चल रहा है, देखिएगा भैया हम करिए, फैन चल रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या हो गया, पूरा कंप्लीट है, क्लोज है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसलिए फैन काम कर रहा है, ट्यूबलाइट काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा सभी को? अब क्यों काम कर रहा है, क्योंकि सर्किट से क्या जुड़ा हुआ है, कुछ सोर्स से जुड़ा हुआ है। सोर्स मतलब क्या होता है, पावर देने वाला डिवाइस, इलेक्ट्रिक करंट देने वाला डिवाइस, वो सेल हो सकता है या कोई बैटरी हो सकती है। सेल है, बैटरी है, ये जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो। तो मैंने यही बोला, एक क्लोज सर्किट होता है, कंटिन्यूअस सर्किट होता है या कंटिन्यू पाथ होता है, क्लोज पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो। उसी को अपन क्या कहते हैं, उस पाथ को इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो मेन कंपोनेंट होता है वो है सोर्स, करंट सोर्स मतलब बैटरी या सेल। इसके बाद में स्विच भी लगाते हो आप, करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए एमीटर भी लगाते हो, छोटा सा डिवाइस। पोटेंशियल कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, कितने वोल्टेज की बैटरी है उसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर भी लगाते हो आप। समझ में आ रहा सभी को? करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करने के लिए रियोस्टेट भी लगाते हो, बल्ब भी लगा देते हो आप। तो ढेर सारे मिनिमोर कंपोनेंट्स हो सकते हैं सर्किट के अंदर। समझ में आ रहा सभी को? इलेक्ट्रिक सोर्स भी हो सकता है कंपोनेंट में, स्विच होनी चाहिए, बल्ब हो सकता है, एमीटर हो सकता है करंट मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें आपने यहाँ पे देखिए बैटरी कनेक्ट की, बैटरी में जो छोटा पार्ट है ये स्मॉल लाइन है, ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी का माइनस पार्ट। बड़ी जो लाइन है वो शो करती है पॉजिटिव टर्मिनल को। बल्ब आपने लगा दिए हैं यहाँ पे, एमीटर करंट कितना फ्लो होगा, कितने एम्पियर, कितना माइक्रो एम्पियर, कितना मिली एम्पियर, उसको मेजर करने के लिए एमीटर एमीटर कनेक्ट किया। यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दिया, स्विच में डॉट लगाया हुआ, देखिए डॉट मतलब स्विच ऑन है और डॉट हटा दूंगा तो स्विच ऑफ। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे पूरे सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट हमेशा ध्यान से सुनना, बैटरी के जो बाहर है वो प्लस टू माइनस फ्लो होता है और बैटरी के अंदर माइनस टू प्लस, यानी को माइनस टू प्लस फिर प्लस टू माइनस। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, करंट की डायरेक्शन बैटरी के बाहर प्लस टू माइनस फ्लो होगा और बैटरी के अंदर माइनस टू प्लस फ्लो होगा। जैसे आप स्विच ऑन करोगे ये बल्ब क्या करने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैं डॉट हटा देता हूँ मतलब क्या हो जाएगा, ये स्विच ऑफ हो जाएगा और बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। समझ में आ रहा सभी? अब ध्यान से सुना, मैं करके देखता हूँ। यहाँ पर ये जो स्विच है ऑन है का मतलब ये है कि ये सर्किट पूरा क्लोज है। देखो आप, ये पूरा सर्किट कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं है। यहाँ पर कनेक्ट कर दिया दोनों तारों को इस स्विच में और इसीलिए करंट फ्लो हो गया, क्योंकि सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज मतलब बंद रास्ता बोलते हैं ना अपन। ये स्विच को ऑन करने से, स्विच ऑन मतलब बटन दबाने से सर्किट पूरा क्या हो जाएगा, क्लोज। क्लोज का मतलब होता है ऐसा जुड़ जाएगा। समझ आ रहा है? अब मैंने स्विच को क्या कर दिया, ऐसे ऑफ। ऑफ मतलब ये दोनों वायर दूर दूर कर दिए। अब स्विच ऑफ हो गया मतलब सर्किट यहां से क्या हो गया, खुल गया। खुल गया मतलब ओपन हो गया, ये सर्किट यहां से क्या हो गया, ओपन। खुल गया मतलब बल्ब काम नहीं है। तो स्विच अभी ऑफ है, ये देखो स्विच ऑफ है, तो तार अलग हो गए, वायर अलग हो गए, मतलब सर्किट कैसा हो गया, खुल गया, ओपन हो गया और करंट फ्लो नहीं। अब देखो मैं स्विच को ऑन कर रहा हूं, देखिए, और स्विच ऑन करने से क्या हुआ, सर्किट तो बंद हो गया पूरा, यहां से खुला हुआ था बंद हो गया। स्विच ऑन करने से सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, पूरा जुड़ गया और बल्ब काम करेगा और करंट फ्लो हो जाएगा। अभी देखो आप, सर्किट यहां से क्या हो गया बताओ, ओपन हो गया, सर्किट यहां से खुल गया, लेकिन स्विच क्या हो गई, ऑफ। ये बल्ब नहीं जलेगा। यहां पर क्या कर दिया बताओ आप, स्विच ऑन, वायर जुड़ जाएंगे, मतलब सर्किट क्या हो गया, क्लोज, लेकिन स्विच क्या हो गई, ऑफ। समझ में आ रहा सभी को? स्विच ऑन ऑफ का मतलब समझ में आ गया, सर्किट क्लोज और ओपन समझ में आ गया। अभी सर्किट क्लोज है कि ओपन, सेम
कंपोनेंट है, इसका सिंबल होता है दो लाइन बनाना, एक छोटी और एक बड़ी, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल लाइन जो है नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। आगे सिंबल है आपके पास, अगला कंपोनेंट है बैटरी। बैटरी का सिंबल ऐसा होता है माइनस, ये देखिएगा ठीक है, ये बैटरी का सिंबल है, ये माइनस टर्मिनल और ये कौन सा प्लस। अब बैटरी का क्या मतलब होता है, सेल का क्या मतलब, करंट दोनों ही देते हैं। अब सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, जब एक से सेल जिसमें एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड हो उसको सेल कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए एनोड क्या तो आपको करंट देगा, वो डिवाइस को सेल कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो माइनस हो। यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रोड देख रहे हो, प्लस माइनस क्या मतलब हुआ, एक से ज्यादा सेल कनेक्ट है, एक से ज्यादा सेल कनेक्ट है। जब ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सेलों को सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। समझ आगे से दिखो, उस स्थिति में यहाँ की जगह जब सारे सेलों को कनेक्ट करोगे, एक से ज्यादा सेलों को कनेक्ट करेंगे आप ज्यादा करंट के लिए, तो जो डिवाइस मिलेगा उसी को क्या कहते हैं आप, बैटरी। समझ में आ रहा सभी को, बैटरी कहते हैं आप अगर वो एक से ज्यादा सेल कनेक्ट उसमें है, ज्यादा करंट आपको दे रहा है तो बैटरी है। बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, बंद करें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, ये जो अंदर जो है वो एक फिलामेंट है, एक स्प्रिंग है, एक वायर है टंगस्टन मेटल का जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। जैसे बल्ब ग्लो करेगा हीट प्रोड्यूस होगी, गर्म होकर लाल भी हो जाएगा ये फिलामेंट, लेकिन वो मेल्ट होकर ब्रेक होगा बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम। रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, उसका कंजप्शन करेगा। मतलब रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में तब जोड़ा जाएगा जब आप उस सर्किट के करंट की वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। मतलब सर्किट में करंट तो आ रहा है लेकिन आपको कम करंट की जरूरत है, तो ऐसे डिवाइस को जोड़ोगे जो करंट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, कंजप्शन करेगा और उसको हीट में कन्वर्ट करके रिलीज करेगा। मतलब करंट की वैल्यू को क्या करेगा वो कम। ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और उसका सिंबल कैसा होता है, देखिए ये जिगजैग मैनर में लाइन बनाई जाती है, इसी को अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब भी अपन कॉपी का रेजिस्टेंस बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। सभी को समझ में आ गया भैया। नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बता रहा हूं कैसे होता है। ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बिल्कुल उसके ऊपर लिखी हुई होती है, लिखी हुई मतलब कलर कोड के थ्रू हम पहचानते हैं, और वो रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू का होता है। जैसे रेजिस्टेंस अगर 2 ओम का तो उसके ऊपर 2 ओम रेजिस्टेंस ही काम करेगा उसमें। अगर 4 ओम का डिवाइस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू कभी 4 ओम से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसा होता है जिसकी वैल्यू हम लोग, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस का डायग्राम कैसे बनता है, एक्चुअल को दिखते कैसे हैं उनको देखते हैं। ये एक रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे। रेजिस्टेंस जो है वो आपको टीवी की प्लेट में मिल जाएंगे, टीवी के सर्किट में। खराब मोबाइल है तो उसको तोड़ के देखें, उसके चार्जर को तोड़ के देखें, खराब चार्जर है तो उसको तोड़ के देखें, उसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, गेहूं के दाने के बराबर, चावल के दाने के बराबर, वो इस तरीके से दिखेंगे। दोनों साइड मेटल की रॉड निकली रहती है और वो डिवाइस जो है जिसके ऊपर क्या कर क्या रहता है, तीन कलर की यहाँ पर पट्टी बनी रहती है। शुरू वाला कलर ब्लैक नहीं हो सकता, वो थोड़ा ध्यान में रहे। और ये वाला जो है एक 2 कलर की पट्टी होती है, या तो सिल्वर या तो गोल्ड या कोई कलर की पट्टी नहीं होती। इन कलर्स को देख करके उनकी ओमिक वैल्यू निकाली जाती है। ये रेजिस्टेंस 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, बड़ी क्लास में जाके आपको पढ़ने को मिलेगा। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, रियल में ऐसा होता है, अब जाके देख सकते हैं। ये बच्चों ये सिलेंडर है और इसके ऊपर टंगस्टन के वायर यहाँ पर रैप किए हुए होते हैं, लपेटे हुए होते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर एक स्विच लगा हुआ होता है जिसको आप ऐसे स्लाइड करवा सकते हो। ये स्विच लगा हुआ है जिसको इसके ऊपर क्या कर सकते हैं आप, ऐसे स्लाइड करवा सकते हो। ये इसको ऐसे पकड़ के आप जो है यहां से उधर भी ले जा सकते हो और इस साइड भी खसका सकते हो। आ रहा नहीं आ